हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने होंगे 2019 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सीजी ओपन बोर्ड एग्ज़ाम। तो क्लास 12 का आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये 2019 का जो एनुअल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीजी ओपन बोर्ड का, ये उसका क्वेश्चंस पेपर है और आज हम इसी को सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप पूरा देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए, राइट। और इससे भी पहले हमने हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 12 का हमने एक मॉडल क्वेश्चंस का आंसर डाल रखा है, तो आप उसे देख लीजिए और अच्छी तरह से आप उसकी तैयारी कीजिए। और बहुत ही जल्द हम उसके 2-3 सेट और भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पूरे सब्जेक्ट के आपके मॉडल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और साथ ही आपको 2019 का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट अभी 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि 2019 के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। यानी एक साल गैप का अगर देखा जाए तो वो रिपीट होंगे, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और इनमें से बहुत से कुछ जो प्रश्न हैं आपके ऐसे भी हैं जो आपके अभी असाइनमेंट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके असाइनमेंट से संबंधित और सीजी बोर्ड अपन स्कूल का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ है उससे संबंधित जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये आपका 2019 का क्वेश्चंस पेपर है, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पास। अब इसके लिए सबसे पहले अगर देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न दिया गया आपके पास। पहला प्रश्न है कि एक समान गति में त्वरण होता है। डियर स्टूडेंट, हम दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बताएंगे। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें, हम दोनों को कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक समान गति में त्वरण होता है। तो एक समान जब भी कोई गति होगा तो उसमें जो त्वरण है, त्वरण की जो दिशा होगी वो या फिर त्वरण होगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, राइट। तो इसी का देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक समान जो गति होगी उसमें यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन त्वरण वो जीरो होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र mL²t-2 नहीं है। किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र mL²t-2 ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कार्य है यानी वर्क, ऊर्जा एनर्जी, बल आघूर्ण मोमेंटम टॉर्क और शक्ति यानी पावर। तो इनमें से इन तीनों का, ठीक है, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र यही होगा, लेकिन एक शक्ति का बीमीय सूत्र ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पावर हो जाएगा। ये कि मीन्स ये पावर का बीमीय सूत्र नहीं है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, तो कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप, विद्युत धारिता, विद्युत
धारिता की जो इकाई है वो क्या है, यानी मात्रक पूछा गया है इसमें, ठीक है। यूनिट यानी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कूलॉम पर वोल्ट और फैराड, ए आ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पास विद्युत धारिता का पूछा गया है, तो धारिता का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो फैराड होगा। फैराड को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, वन फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, वन कूलॉम पर वोल्ट, पर वोल्ट वी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और इसका करेक्ट आंसर फैराड हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब अगला प्रश्न देखिए, आपके पास पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आपके पास कि उत्तल लेंस की किस रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होगी, उत्तल लेंस की किस रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होगी। तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगा तो बैगनी के लिए न्यूनतम होता है, और जो लाल है उसके लिए अधिकतम होता है, राइट। तो याद रखिएगा, ये लाल के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम होता है। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ पास जो इंग्लिश मीडियम से दिया हुआ है उसे भी आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वायलेट, ठीक है, दिया हुआ ना। फॉर कॉन्वेक्स लेंस विच कलर विल हैव लीस्ट फोकल लेंथ, तो वायलेट कलर के लिए होगा, और सबसे मैक्सिमम किसको होता है, रेड के लिए होता है, राइट। अब अगला, ये पांच हो गए, पांच और बचे हैं। देखिए 10 नंबर के आते हैं, ये 15 नंबर के आपके इधर, 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 5 नंबर का आपका फिलअप आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पास, कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके कुंडली के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम बताएंगे कि कम, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि कम प्रतिरोध का जो तार है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ दिया धारा मापी को अमीटर में। तो मान लीजिए ये धारा मापी यहाँ पास हो गया, ठीक है, और अमीटर में बदलने के लिए हम किस क्रम में जोड़ देंगे उसको, इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पास ए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ए यानी अमीटर हो जाएगा, ओके। इसी का इंग्लिश मीडियम से आप इस प्रकार का क्वेश्चन है, इन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर अ रेजिस्टेंस इज जॉइंट विथ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए आप यहाँ पास, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। दिया हुआ है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तब जल में प्रकाश की चाल होगी। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ क्या बोला गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मीन्स एयर टू वाटर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, म्यू इज इक्वल टू c/v होता है, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग, और v यहाँ पास एक प्रकार से उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये c प्रकाश की चाल है, ठीक है। c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड, और v वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पास देखिए, इसका म्यू अपवर्तनांक, म्यू क्या है यहाँ पास, अपवर्तनांक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको। तो म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4/3, तो म्यू के जगह पे आप 4/3 लिखिए, और फिर इसके बाद यहाँ पास c/v, तो c का लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का जो वैल्यू है, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। फिर इसके बाद v आपको फाइंड करना है, क्या पूछा गया, प्रकाश की चाल, है ना। तो ये आपको वेलोसिटी, इसका स्पीड निकालना है, प्रकाश की चाल क्या है यहाँ पास, v है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, v यहाँ पास आ जाएगा, ये v आपके पास यहाँ देख सकते हैं,
कि आपके पास यहाँ वी आ जाएगा, तो एक और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको कि वी इज इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 10^8 और 4/3, 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आएगा, इंटू 3। तो ये आपके पास 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, इंटू 10^8 और ये 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 4, 4 2 8 फिर डिवाइड हो जाएगा, 1 बचा, फिर 4 2 8, फिर आपके पास 2 बचेगा, 4 5 20, तो 2.25 इंटू 10^8। तो ये आपके पास देख रहे हो, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2.25 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पास। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के अंतर्गत लक्ष्य पर किन किरणों की बमबारी की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, अगर हम देखें तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास रे के बारे में बताया गया है और रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का जो प्रयोग था वो किसके लिए किया गया था, अल्फा पार्टिकल के लिए किया गया था, मीन्स अल्फा कण के लिए, न कि रेज के लिए। ये यहाँ किरणें यानी रेज दिया हुआ है और जो प्रयोग हुआ था वो एक पार्टिकल के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो नाभिक कहाँ होता है, मीन्स ये एक ऑर्बिट हो गया, तो इस प्रकार से नाभिक यहाँ पास होगा और नाभिक में ही क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, विच पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पास क्वेश्चंस, तारों में ऊर्जा उत्पादन निम्न अभिक्रिया द्वारा होता है, तारों में ऊर्जा उत्पादन निम्न अभिक्रिया द्वारा होता है। तो आपके पास ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और तथा ब दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन मीन्स न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आपके 10 नंबर ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पास। ठीक है, ये 10 नंबर के ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब 5 नंबर के आपके पास फिलअप होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, फिलअप देख लेते हैं। ये देखिए अब आपके पास पहला फिलअप है यहाँ पास, जो कि 2019 में पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए कि सरल आवर्त गति में विस्थापन के अधिकतम मान को, विस्थापन के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण यानी एक्लेरेशन, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण मीन्स एक्लेरेशन, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग, ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो साउंड का वेलोसिटी क्या होगा, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चंस इसका फोर नंबर है आपके पास, शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। क्या होगा, डोपिंग। तो यहाँ लिख लीजिए आप, डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग कहते हैं। मीन्स मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस फाइव नंबर, प्रकाशित तंतु में क्रोड का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इन ऑप्टिकल फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली सो 1.5 to 2 इतना होगा। ठीक है, तो आप अप्रोक्स में 1.52 लिख सकते हैं। राइट, तो ये इसके आंसर हो गए। यहाँ से आपको 15 मार्क्स ये कंप्लीट होता है, और इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम इसका फिजिक्स का भी मॉडल क्वेश्चंस का आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 नंबर वाले आपके प्रश्न हैं। ठीक है, वो भी 10 नंबर के हैं, यानी 2 से 7 क्रमांक तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं, वेग तथा चाल में कोई 2 अंतर। ये प्रश्न स्टूडेंट, ये आपके पहले असाइनमेंट में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका आंसर वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर है हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम ये भी पूछा गया था। तो देखिए जो भी असाइनमेंट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप उनकी भी तैयारी करते रहें। ठीक है, सारे असाइनमेंट के वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। इनमें से जो प्रश्न आपको डाउट है, आपके पास बुक होंगी या फिर किसी और याद करने के लिए या पढ़ने के लिए किसी प्रकार के साधन होगा आपके पास, तो आप उससे कंप्लीट करिए। और यदि नहीं है या फिर आपको किसी भी क्वेश्चंस में, ये जो 2019 के जो ये क्वेश्चंस पेपर है उसमें जो भी डाउट है आपको, तो वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चंस के लिए हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास क्वेश्चंस देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक्सिमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं, क्यों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह सदिश राशि या अदिश, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया था अभी आपके असाइनमेंट में। अगला, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन लेयर होता है जो कि पी और एन ये दोनों संधियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्शन लेयर कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद आता है आपके पास, यहाँ पास देख सकते हैं, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो पी और एन के बीच जो आपके पास एक संधि होती है, एक पतली परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको याद रखिएगा। फिर आया प्रश्न आपके पास, यहाँ से देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल का ग्राफ बनाना है, तो आप इसे ग्राफ बनाकर आप कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों। और फिर है, ये भी प्रश्न आया हुआ था पहले असाइनमेंट में। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में कोई 3 अंतर लिखना है, ये इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, बर्फ बिंदु और भाप बिंदु के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर है, सरल लोलक का आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर 12वां नंबर दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या करना है, आर यानी रेजिस्टेंस ओम का मान ज्ञात करना है, 50 ओम दिया हुआ है, जबकि प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप
इन सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, और जो ना बने, जो भी प्रश्नों में जो आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उस क्वेश्चंस नंबर डाल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका वीडियो हम आप लोगों के लिए अलग से बना देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये प्रश्न नंबर 13। फिर उसके बाद ये प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पद परवलयकार होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर इसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम दिया हुआ है, द्वितीय नियम क्या है, अब्रवाह में सिद्ध करना है। अगला प्रश्न देखिए, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक, ये प्रश्न भी आया हुआ था, है ना, उसके अलग अलग प्रोसेस को बताना था, समतापी रुद्धोष्म, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। फिर है CP-CB=R होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी पूछा गया था आपके असाइनमेंट में। तो देखिए सभी प्रश्नों को आप कर लीजिए असाइनमेंट के भी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगला प्रश्न है, लेंस निर्माता सूत्र दिया हुआ है, इतना आपको सिद्ध करना है। फिर अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फिर से इस बार रिपीट हो सकता है। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करना है। और अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्य फलन का दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य H/√2qmv की स्थापना करना है। और तापानिक उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की उसकी व्याख्या करना है। और फिर उसके बाद आगे देख सकते हैं आप कि जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपसे पूछा भी गया था असाइनमेंट में, पहले असाइनमेंट में। फिर संघटक किसे कहते हैं, एक बिंब में प्रत्यास्थ संघटक के बाद पिंडों का वेग सूत्र निगमित कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके पूरे प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और जो भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ओके ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।